दोस्तों नमस्कार। देखिए, गाने में दो भाग होते हैं, एक मुखड़ा और एक अंतरा। पहले जिस समय ध्रुपद गाया जाता था, ध्रुपद का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था। अब तो ध्रुपद का प्रचार प्रसार बहुत कम हो गया। अभी भी ध्रुपद गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, लेकिन सुनने वाले थोड़े कम हैं। तो ध्रुपद में पहले चार विभाग होते थे, मुखड़ा, अंतरा, संचारी और आभोग। ये चार चीजें होते थे और चार प्रकार से इन्हें गाए जाते थे। जैसे हम लोग अंतरा गाते हैं, मुखड़ा गाते हैं, ठीक है, उसी तरह उसमें भी होते थे अंतरा, मुखड़ा, पहले मुखड़ा आता था, उसके बाद अंतरा, फिर संचारी और आभोग। लेकिन अब जो इस समय लाइट म्यूजिक जो चल रहा है, इस समय के जो गाने चल रहे हैं, और उसमें दो ही विभाग होते हैं, मुखड़ा और अंतरा। राग गायन में भी वही है, मुखड़ा और अंतरा ही है। जैसे छोटा ख्याल गाते हैं हम, या बड़ा ख्याल में भी गाते हैं, ध्रुपद, दमर, कुछ भी गाते हैं। तो अब ये दो ही हैं, मुखड़ा और अंतरा। तो ये दोनों एक सप्तक में हो, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। दोनों एक सप्तक में नहीं हो सकते। अगर दोनों एक सप्तक में ही है तो मैं मानता हूं कि उसकी खूबसूरती कुछ कम होगी उस गाने की, यानी उस गाने का जो धुन बनाया गया है उसकी खूबसूरती कुछ कम होगी। क्योंकि देखिए, कोई कोई गाने हैं जो तीनों सप्तक में है, मध्य सप्तक से गाना शुरू हो रहा है और मंद्र सप्तक से लेकर तार सप्तक तक वो गाना चल रहा है, तीनों सप्तक में है, तो वो गाना खिलता है। और उस गाने में हम कहें तो गाने में बारीकियां ज्यादा होती हैं, उसमें ताम ज्यादा होता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे स्वरों में जो सीमित है तो उसमें उतना काम नहीं होता। क्यों? जिन गानों में, जैसे लता जी का गाना है, किशोर दा ने भी उसको गाया है, मेरे नैना सावन भादो, ये तो तीनों सप्तक में खिलता है, ये तीनों सप्तक में चलता है। जैसे मेरे मेरे नैना सावन भादो, अब ये तीनों सप्तक में चल रहा है। जैसे मध्य सप्तक के पंचम से उठ रहा है और तार सप्तक में जा रहा है, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो ये मध्य सप्तक से तार सप्तक की ओर बढ़ रहा है और इसका अंतरा तार सप्तक में और आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये राग खिलता है, जैसे बरसों बरसों बीत गए हम तो मिले बिछड़े, बिजुरी बन कर गगन पे चमकी, बीते समय सप्तक में बढ़ रहा है। तो एक सप्तक में, यानी मध्य सप्तक में, मध्य सप्तक से ही गाना कोई शुरू होता है, तो मध्य सप्तक में ही अगर वह गाना सीमित हो जाता है, वह गाना मुखड़ा और अंतरा दोनों मध्य सप्तक में ही अगर है, तो उस गाने की खूबसूरती कुछ कम होती है। लेकिन जो सभी सप्तकों में चलता है, तीनों सप्तकों में चलता है, उस गाने में काम ज्यादा रहता है, बारीकियां ज्यादा रहती है। दूसरी चीज कि मुखड़ा अगर आपका मध्य सप्तक में है तो अंतरा तार सप्तक की ओर बढ़ेगा, या अंतरा आपका मंद्र सप्तक की ओर बढ़ेगा, ठीक है। परसेंटेज गाने में ऐसा होता है, बहुत सारे कम ऐसे गाने हैं जो एक ही सप्तक में खत्म हो जाते हैं, उसमें ज्यादा लोक संगीत आते हैं, लोक संगीत के गाने आते हैं जो कम स्वरों में उनका कंपोजिशन हुआ रहता है, ठीक है। तो मुखड़ा अगर आपका मध्य सप्तक में है तो अंतरा आपका तार सप्तक में होगा या मंद्र सप्तक में होगा। मुखड़ा आपका मंद्र सप्तक में से शुरू हो रहा है तो आपका अंतरा मध्य सप्तक में जाएगा या तार सप्तक में जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी गाने को अगर आप लेते हैं, किसी भी गाने को, कोई भी गाना हो, तो वो दो सप्तकों को टच करता ही करता है, न का उसमें
कम से कम दो टचों का, दो सप्तकों का वो टच, दो सप्तक को वो टच करेगा ही करेगा। मान ले कि कोई दूसरा गाना हम लेते हैं, जैसे तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक निकला। तो हमने सी शार्प को सप्तक माना, सी यहां से लेकर के एक सप्तक हुआ, तो यहां से हम गाना अगर उठा रहे हैं, तुम आए तो आया मुझे याद गली में, गली में, तो ये मंत्र सप्तक में आ गया, ये मंत्र सप्तक का नहीं है। गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में अचानक निकला, गली में अचानक निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक निकला। तो तार सप्तक में भी गया है, तार सप्तक में भी गया, तो जाने कितने दिनों के बाद, गली में, तो तार सप्तक का सा है, गली में अचानक निकला, तार सप्तक का रे तक भी जा रहा है, गली में आज, गली में अचानक निकला, गली में अचानक निकला। तो ये तीनों सप्तकों को छू रहा है, मध्य सप्तक से शुरू हो रहा है, तार सप्तक में जा रहा है और फिर मंत्र सप्तक में भी आ रहा है। तो गाना तीनों सप्तकों में टच करता है, अगर तीन सप्तक में नहीं जा रहा है तो कम से कम दो सप्तक में वो जरूर जाएगा, दो सप्तक को जरूर टच करेगा, और दो सप्तक को अगर वो टच करता है गाना तो उसका कंपोजिशन खास रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।